नमस्कार प्रणाम मित्रों। हारमोनियम पर उंगली तेज कैसे चलाएं, अपने फिंगर को कंट्रोल अपने माइंड के साथ कैसे करें जिससे कि गाना की कोई भी गाना निकालने में आसानी हो। दोस्तों, इस हारमोनियम लेसन में आज आपको सिखाऊंगा अपने फिंगर को हारमोनियम के ऊपर स्पीड तरीके से चलाना और किसी भी गाने को पकड़ना, स्वर को समझना। दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था एक साथी का कि अपने फिंगर को तेज कैसे करें, हारमोनियम के ऊपर तेज कैसे चलाएं, फंस जाता है। कोई भी गाना जब बजाने के लिए शुरू करता हूं तो फंसता है, रुक जाता है। इसमें दो कारण हो सकता है, या तो आप हारमोनियम सीख रहे तो नए हैं, या तो फिर आपके माइंड के साथ आपका उंगली का कनेक्शन अभी जुड़ा नहीं है, स्वर ज्ञान अभी हुआ नहीं है। तो इसके लिए सबसे मस्त रियाज मैं बताऊँगा जो कि दोनों काम हो जाएगा, स्वर ज्ञान भी हो जाएगा और आपके फिंगर भी चलने लगेंगे। ध्यानपूर्वक देखना है, यह रियाज वह रियाज है जो हर बेसिक से हारमोनियम सीखने वाले साथी के लिए ज़रूरी है। तो सरगम थाट बिलावल से मैं प्ले कर रहा हूँ, पहले इसे ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे पहले काले को सा, दूसरे को रे, फिर ये नीचे वाला गा, फिर तीसरे काले को माँ, फिर चौथे को पा, फिर पाँचवें को धा, फिर नीचे वाला ये नी। ये सात स्वर का संगम मिला करके सरगम बनता है। सरगम के ऊपर ही हमें उंगली चलाना है, उसके बाद तार सप्तक में फिर सा को हम प्ले करते हैं ताकि स्वर का जो जुड़ाव है वह बना रहे। अब उंगली को तेज कैसे चलाना है, अपने फिंगर को तेज कैसे चलाना है, बस देखने वाली बात है, जानने वाली बात है। फिलहाल मैं मोबाइल हारमोनियम के जरिए आपको हारमोनियम बजाना सिखा रहा हूँ। आपके पास अगर ओरिजिनल हारमोनियम है तो ठीक है, नहीं तो आप भी इससे सीख सकते हैं। देखिए, हमारे हाथों में पांच उंगली है, फिंगर है, सभी फिंगर के जो बटन है फिक्स है कि इससे इस स्वर को प्रेस करना है और कौन से स्वर को कौन से उंगली से प्रेस करना है, ये मैं अभी बताऊंगा। सही तरीका होना चाहिए, सही फिंगर होना चाहिए बटन के ऊपर। अगर आप थाट बिलावल से प्ले कर रहे हैं तो इसका सही पोजीशन है। सबसे पहले हम नंबर दे देते हैं, ये अंगूठा हो गया, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर और ये कनिष्ठ, ठीक है। तो ध्यान में रहे, आपको जो है सबसे पहले सा पे ये तर्जनी रहेगी, ठीक है, इसे तर्जनी बोलते हैं, ये सबसे बड़ा फिंगर है, ठीक है। यहाँ पे तर्जनी रहेगी एक नंबर वाला, ठीक है, सा। उसके बाद दो नंबर पे बड़ी वाली उंगली, ठीक है, बीच वाली उंगली रहेगी, ठीक है। तीन नंबर पे फिर गा पे अंगूठा, चार नंबर पे फिर से एक नंबर वाली उंगली, पांचवें स्वर पे फिर से मिडिल फिंगर, उसके बाद फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे तीसरा फिंगर आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे नी पे अंगूठा आएगा। ज़्यादातर हम जब वाइट बटन को प्ले करेंगे, अगर ब्लैक के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उस पर नीचे वाले बटन पे हमारा अंगूठा आना चाहिए, ठीक है। उसको फिर से यहाँ पे सा, जब फिर रिवर्स आएंगे तो उसी क्रम में, अब स्लो में देखेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हो गया। अब स्लो में करते करते पहले इसका स्पीड बढ़ाइए, सरगम का स्पीड बढ़ाइए, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, और गले के साथ साथ स्वर को दोहराइए भी, ठीक है, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा। ये हो गया पहला सरगम का रियाज, ठीक है। अब इसे हम अलंकार में बदलेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एकदम सिंपल समय जानकारी मैं बता रहा हूँ आपको। आरोह और अवरोह दोनों में सीखना है और स्वर को पकड़ना है, ठीक है। इस ये जानकारी से आपके गले में भी चेंजिंग आएगा,
और हारमोनियम पर जो फिंगर रुकने वाली प्रॉब्लम है वह काफ़ी स्पीड हो जाएगा, ठीक है, वह हद तक सुधर बहुत ज़्यादा, यानी 100% गारंटी है कि आपका फिंगर दौड़ने लगेगी, ठीक है। अब रियाज ये अलंकार का है, अलंकार का पहला रियाज इस तरीके से, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, फिंगर पोजीशन के साथ करेंगे, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, ठीक है, फिंगर पोजीशन सही होना चाहिए। अब दूसरा अलंकार हम सीखेंगे, सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा, ठीक है। अब इसी तरीके से तीन स्वर को लेके बढ़ेंगे, जैसे सा रे गा मा गा मा पा धा पा धा नी सा, फिर वापस अवरोह में, सा नी धा पा मा पा मा गा मा गा रे सा। अब चार फिंगर, चार स्वर को हम लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब कैसे, सा रे गा मा पा, देखिए फिंगर पोजीशन जो मैं पहले बताया वही रहना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बताने के लिए आपको मैं एक एक फिंगर से प्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में सही से बैठ जाए, ठीक है। कैसे, सा रे गा मा पा गा मा पा धा नी सा, ठीक है। अब वापस अवरोह में, सा नी धा पा मा, ठीक है, धा पा मा गा पा मा गा रे सा, ठीक है। अब पांच स्वर को लेके पढ़ेंगे, ठीक है, अब छह स्वर को लेके बढ़ेंगे, फिर वापस, अब सात स्वर एक ही साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से इस रियाज को करके आप अपने फिंगर स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो यह जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी तक आरसी फिल्म को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।